भारत से जापान के रिश्तों को शिंजो आबे ने कहा नया अध्याय, समिट को बताया ऐतिहासिक, दोनों देशों के बीच तीन बड़े करार, बुलेट ट्रेन, सिविल न्यूक्लियर और डिफेंस सेक्टर में हुआ समझौता। संसद पर आतंकी हमले की 14वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, महिला कांस्टेबल समेत 8 जवान हुए थे शहीद। सरकार के 2 साल पूरे होने पर जनपद पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, कार्यक्रम में सरकार के मंत्री, पार्टी कार्यकर्ता और आम जन हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कार्यक्रम से पहले पहुंची, अमर जवान ज्योति, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीएम राज्य ने एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड में विकास प्रदर्शनी का किया अवलोकन, अल्बर्ट हॉल में होंगी सांस्कृतिक संध्या, शाम को सूफी संगीत का भी होगा आयोजन। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्ट्रेचर सर्कल से बस सेवा को दिखाई हरी झंडी, परिवहन मंत्री यूनुस खान भी रहे मौजूद, जिला मुख्यालय के लिए 6 बसें की रवाना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के जश्न पर उठाए सवाल, कहा राज्य सरकार जनता के पैसों का कर रही है बेजा इस्तेमाल। टोंक में बगदादी के बच्चों के खिलाफ फतवा जारी, शहर में 50 से अधिक उम्र के लोग ही कर सकेंगे प्रदर्शन, मुस्लिम समाज के लोगों ने एएसपी को सौंपा ज्ञापन। प्रतापगढ़ में महिला किसान ने की खुदकुशी, फसल खराबे के चलते दी जान, पानी के अभाव में सूख गई थी फसल। सीकर के फतेहपुर शेखावटी की -2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, खेतों और पेड़ों पर जमा हुई बर्फ की परतें, दर्ज किया गया सीजन का सबसे ठंडा दिन, सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग।